तो आज मैं जा रही हूँ फातिमा के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में। क्लास से निकाली गई है क्योंकि खाना लेके मैं इसकी क्लास में पहुँच गई थी। फाइनली ये जो रबिया है ना, ये इसकी वजह से कह रही है कि चांद टेढ़ा हुआ है, बादल आए हैं, चांद कितना बिल्डिंग है जी। ये लड़की जो है ना अब गाड़ी पार करके आएगी और मैं जा रही हूँ जी अपने नेल बनाने, और मेरे साथ है जो चुड़ैलों के नाखून होते हैं मेरे भी इस वक्त वो बने। अभी ये यहाँ पे बस बैठे हुए हैं, अब मुझे बार बार कहने कि मुझे मत लो, देखें आप गवाह है ना, कह रहे हैं ना ये ऐसे रेट्स का चूना लग चुका, रेट्स का चूना लग चुका है हमें। Welcome to my another vlog and आपको पता है कि मैं आज कितनी हसल में हूँ, कितनी बिजी हूँ, कैसे पता होगा, मैं खुद बता रही हूँ भाई। मुझे लोगों को कार्ड्स आधे देने हैं, मेरा एटीएम कार्ड गुम चुका है और फातिमा बाहर हॉर्न दिए जा रही है। सो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, बहुत 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 हसल है, बहुत 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 सरदर्दी है। ये लड़की की क्लास में सो रही है और इसने आफत डाली हुई है ऊपर से इसके बच्ची के, इसका भी कार्ड गुमा हुआ है। उस क्लास में मेरी यार 10 एब्सेंट पे तो मतलब नॉट अलाउ कर देते हैं। उनको कहो मेरी बहन की एंगेजमेंट है, उन्होंने कहा था फिर पहले एक चलो दो तीन छुट्टियां अलाउ होती हैं, अब ये क्या पूरी 9-10 कर रही हो तो ना ही आओ इसे। तो आज मैं जा रही हूँ फातिमा के साथ उसकी यूनिवर्सिटी, मतलब वो पहले मेरी यूनिवर्सिटी थी, फिर मैं पास आउट होगी, फिर फातिमा की यूनिवर्सिटी होगी। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हम छोटी बहने जो है ना अपना सारा जेवर डांस कर करके टांगों पे खलियां पड़ी, ऊपर से क्लास है, एंड टाइम पे क्लास भी ना हो, स्टूडेंट्स की तो बहनों की शादियां होनी नहीं चाहिए, इन बेचारों को छुट्टी लेने में बहुत वक्त लगता है। हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, फातिमा मुझे यूनिवर्सिटी का व्लॉग नहीं बनाने दे रही, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं बहुत देर बाद अपनी यूनिवर्सिटी आई हूँ। मेरे पास कुछ लोग आ गए थे पिक्चर्स बनाने के लिए, फातिमा अपनी क्लास के लिए बहुत लेट हो रही थी, मैंने उसको क्लास में भेज दिया एंड शी टोल्ड मी कि 101 में आना है, पर मुझे उसकी क्लास नहीं मिली तो मैं नीचे जा रही हूँ। क्लासरूम के बाहर आके खड़ी हो गई और ये दो जूस मैंने हाथ में पकड़ लिया और मैं यहाँ बैठ के फातिमा के फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। क्लास से निकाली गई है क्योंकि खाना लेके मैं इसकी क्लास में पहुंच गई थी और इसकी टीचर को मालूम नहीं था कि इसकी बहन आई है, ये भी क्लास से बाहर और इसकी दोस्त भी क्लास से बाहर होगी, ठीक है, और मैं तो वैसे ही बाहर थी, तो हम तीनों बाहर बैठे हुए। फातिमा कितनी देर है तुम्हारी अटेंडेंस में यार, कितना खवार कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मेरी एंगेजमेंट की बजाय मेरी यूनिवर्सिटी चल रही है। जनीशा मैं क्लास में जा रही हूँ, अटेंडेंस होती है, मैं तुझे बताती हूँ इसके साथ बैठी। तो मेरा जूस जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पे रश नहीं है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बिग फैन, बिग फैन, थैंक यू। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बड़े बड़े, ये जो बच्चे होते हैं ना हमारे लिए ना ये बच्चे हैं, क्योंकि ये तंग कर, अभी मेरा ख्याल से पहला दूसरा तीसरा सेमेस्टर होता है ना, इनको नहीं पता हम कितने सीनियर हैं यहाँ पे, हम यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और फिर भी बिग फैन। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यूनिवर्सिटी वापस आके, मज़ा आ रहा है यार। मैं ना यूनिवर्सिटी आई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे हर कोई आके कह रहा है अस्सलाम वालेकुम मुबारक, मुझे लग रहा है मैं मैरिज ब्यूरो आ गई हूँ यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे सब मुबारकबाद दे रहे हैं, जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे क्राउड नहीं होता, यहाँ पे वैसे भी सिटिंग एरिया ना बिल्कुल। अच्छा अय्यल्ला आप लोग क्लास छोड़ के आए हो? अरे छोड़ के नहीं, सर को बता के नीचे फेफड़ा तो वैसे की बह रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हम लोग ना जा रहे हैं, राबिया साहिबा बाहर आ चुकी है, ये लड़की देखे अपने बाल सही कर रही है, निकलो यहाँ से जल्दी करो फातिमा, तुम्हारी वजह से मैं सारा लेट हुई हूँ। फाइनली ये जो राबिया है ना, ये इसकी वजह से इस... तुम क्यों डरी हुई हो? इसको हम ढूंढते रहे, पास निकालो ना अब अपना, पता लगे ना यार। ये क्राउड था यार, यहाँ से हम कोई मेरे ख्याल से ओफ अल्लाह, हमने नाश्ता किया नहीं, और ये क्या खा रही हो? चॉकलेट बिस्किट का चूड़ा, मेरे पिछले जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तब का बैग में है। कह रही है कि चांद टेढ़ा हुआ है, बादल आए हैं, चांद कितना बिल्डिंग है, नहीं नहीं बादल है फातिमा, रिंग रोड पे कौन सी बिल्डिंग होती है, बहुत खूबसूरत है गाइस। वो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह और बाद में बहनों के साथ जलील होते हैं और गाड़ी में सो जाते हैं। ओ माय गॉड राबिया, तो तुम्हारे लिए वो आई है, बेचारी ने कुछ करवाना भी नहीं और वो बस बहनों के साथ। तो जी ये लड़की जो है ना अब गाड़ी पार करके आएगी और मैं जा रही हूँ जी अपने नेल बनाने, और मेरे साथ है वन एंड ओनली अरूप। तो अब हम लोग जाएंगे, अब हम जाएंगे, पिक्चर्स रखी हुई है पहले कैसा लगवाना? हाँ मेरे मेरे को तो पता है मैंने क्या करा, किस तरह फ्रेंच हाँ अरे पता लगे उसको ठोक मत देना पागल, पता लगे उसकी भी शादी है, और रूप का एक्सरे असली हो गया। दोनों प्लानिंग कर रही हैं, आए हैं नेल्स वगैरह वाले डिपार्टमेंट पे,
और यहाँ पे बॉयज का मैनी पेडी होता है, साद भी है और अरीब भी है। लेट्स सी, उनको ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल काम है। हम बोलेंगे झूठ, तो बोला है कि ये सिर्फ ये वाली जगह है, कोई नहीं बैठा है, उनको वीडियो बना के भेजते हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, कोई नहीं है। तो प्लीज आप लोग आ जाए, क्योंकि आप लोग दोनों ही हैं, अपकमिंग दूल्हा दोनों ही। अब फरार होने लगी है, अब क्यों जा रही हो तुम, करवा क्यों नहीं रही हो? बस मेरा मूड नहीं है। निकलो तुम फिर यहाँ से, मैंने तो कराने हैं। क्योंकि नेल्स बहुत खाती है और इसके पास जगह नहीं है नेल्स लगवाने की, जगह ही नहीं है और इसके पास जगह ही नहीं है नेल्स लगवाए कहाँ पे नहीं है। देखें लग रहा है इसके, इसका दिल पे जगह नहीं चाहिए। हाँ, दिल पे नेल लगवा दो, टुकवा दो। हम लोगों की अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, उन्होंने कहा कि आपको आधा घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम आधा घंटा वहाँ बैठ के क्यों अपना टाइम जाया करें। तो हम यहाँ से कहीं पे खाने के लिए निकलते हैं, कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह ने कुछ नहीं खाया। तो अरूप हमारे साथ है अभी, हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं साथ का वेट। हाँ, एक लड़का हो जाएगा ना तो फिर इनको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। 5 बजे आए तो वो 7 बजे आते हैं, तो हम इसी हिसाब से अपना प्लान चेंज कर रहे हैं। हम कुछ खाने जा रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं। पूरे 1 घंटे के बाद हम लोग कुछ खाना पीना खा के आ गए हैं, अभी तक साथ नहीं आया। और साथ का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 बजे का बोलो तो 7 बजे आता है, 7:27 हो रहे हैं। हाँ, बस हम इसका वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 मिनट पहुँच रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर पे आपने बैठी और आप लास्ट ईयर? मैं लास्ट ईयर पे। नेल्स जो अपने जाती हैं वो लगे हैं इस वक्त ज़िबा होने, और मेरे दिली तौर पे मुझे अफसोस शुरू हो गया। मेरे इतने इतने पारू नेल्स जो अब जा रहे हैं, नकली आने लगे हैं इसके ऊपर। जो चुड़ैलों के नाम होते हैं मेरे भी इस वक्त वो बने, अभी ये मॉडिफाई होंगे। मैंने इतने टेढ़े टेढ़े करा रहे हैं। हाँ, मेरे जैसे लेकिन आपके जैसे यार अच्छे लग रहे हैं। खुद तो कराया नहीं, दगा दिया तुमने मेरे यार। मैं अपनी उस पे कराऊंगी ना इवेंट पे। आपके इवेंट पार्टनर कहाँ है? कुछ करा नहीं, कुछ करा कि नहीं यार, मेरे पहले ही नाखून लंबे हैं, दिखाए तो पैसे देने पड़ते हैं, मेरे वैसे हो जाते हैं लेकिन गंदे नहीं। नाखून लंबे करने के लेते कितने हैं? 10,000 रुपए। रेट्स का चूना लग चुका है, रेट्स का चूना लग चुका है। मैं इसलिए मैं यहाँ इनकी बातों में नहीं आ रहा कि ये करवा लो, करवा लो। ये यहाँ पे बस बैठे हुए हैं, अब मुझे बार बार कह रहे हैं कि मुझे मत लो। देखें, आप गवाह है ना, कह रहे हैं ना ये ऐसे। नहीं, आप भी तो बैठे हुए हैं, आप अल्फा नहीं है। मैं आदी हो गया हूँ चुनिया मारने का, तो इसलिए अल्फा बीटा गामा मेरे लिए। फाइनली मैंने अपने जो है ना वो नेल्स करा लिए, बड़ी मुनासिब लेंथ करवाए, बिकॉज आई कांट अफोर्ड इतनी लंबी लेंथ। जो चुड़ैला मैंने आपको मैंने पहले दिखाई थी, ये रूप के कहने पे मैंने छोटी रखवाई। यार एक चीज तो मैं भूल ही गई, अरे आप ये ओपन करेंगे? पहले मुझे बताओ मेरा कार्ड कैसा बना है। बहुत प्यारा है, ठीक है। मैंने स्पेशल मिस्टर एंड मिसेस डकी भाई भी लिखा और मैंने स्पेशल रूप भी लिखा है। देखो जरा प्रॉपर, मेरा अरीब नहीं लिख दिया। वो यहाँ लिखा कार्ड पे। अरीब हाँ जी, तो आपका तो हो गया काम। yes. आप आगे पधारे, गुड गर्ल। आपका क्या हो गया? आप तो बैग पहन के अपना काम करते हुए मजदूर ब्लॉगर। अरीब साहब पहले नीचे चले गए थे, बिकॉज़ ही सेड के मैं कहां लड़कियों में फंस गया। हम लोग जरा लेट लतीफ हैं थोड़े से, यू नो, तो बस। सो गाइस, हम लोग वहाँ से हो गए थे फ्री, और अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग जा रहे हैं मॉल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपने डैडी का कोट पिक करना है। डकी और अरूप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, उन लोगों ने मेरी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करनी है, स्पेशली डकी ने अपना ड्रेस खरीदना है, ठीक है। फाइनली जो है ना अब्बा का कोट तो यहाँ से मिल गया है। हम मॉल पहुँच चुके थे, मैंने आपको बताया था कि डैडी का कोट मैंने पिक कर लिया है, लेकिन ये जो अरूप है ना ये अपने बंदे के कपड़े लेने के लिए आई है यहाँ पे। मतलब कि अब हमने डकी भाई के लिए जो है ना यहाँ से करनी है शॉपिंग, और हमने आपको बताया था कि वो खुद जो है ना वो काम में बिजी थे, अभी तक वो पहुंचे ही नहीं क्योंकि उनको फैंस ने घेर लिया। एना दी शॉपिंग हो रही है, ऐ हूं ना इन्हें नहीं निकलेंगे। चक हो गई हूँ यार कि मुझे ना इन दोनों में से कौन सा परफ्यूम अरीब के लिए लेना चाहिए। अरीब बताएं कौन सा जो तुम्हें सही लगे। यार हमेशा भी ये कह के मुझे डाल देते हो कि जो आपको सही लगे ले लो, मुझे दोनों अच्छे लगे। मर्द हज़रातों की तो काम हो चुका है दोनों का। हम मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिया, हमने भी मैंने भी कुछ नहीं लिया। मैंने अपने अब्बा का फर्स्ट टाइम हम मॉल आए और और लड़कियों ने कुछ भी नहीं लिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लड़कियां आएं और लड़कियां कुछ ना लें? ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके लिए उनके आदमी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग कहीं खाना खाने के लिए। आपके कहने पे क्या ट्राई करने वाले हैं? सुशी ट्राई करवाता हूँ, लेकिन मैं वो मुझे पता है आपको कच्ची बच्ची नहीं पसंद। हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हें पकी हुई खिलाऊंगा। वो दूसरी सोच लो, वो आके रख लेंगे। हाँ, कुछ चैलेंज रख लेंगे कि
तुम्हें 20 रुपए अगर तुमने खा लिए 20 रुपए का है तो, मतलब 20 रुपए नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोई सॉलिड अमाउंट बताए ना फिर मैं खा जाऊँ। चलो 40 रुपए यार, ये तो गलत बात है। पहुँच के डिसाइड करते हैं, पहुँच के डिसाइड करते हैं कि पैसे कितने होने चाहिए और डिश कौन सी होनी चाहिए। आपके कहने पे मैं सुशी खाने जा रही हूँ। जी हमारा खाना आ चुका है जी, ये आपके कहने पे लिया है। जो है ना ये पूरी कच्ची है, मैं ये दरमियान में मैं तुम्हें बताया तो ये फिश है, दिस इज ऑल कुक्ड। ये जो है ना ये इससे ज्यादा मजे की है, लेकिन इसमें एक लेयर जो है ना, एक लेयर बहुत पतली सी है, वो पतली सी वो सैलमन की एक लेयर है। ओके, और वो अनकुक्ड है, वो अनकुक्ड है, लेकिन तुम्हें ये ज्यादा अच्छी लगेगी इसको। अगर अगर ये कुक, ये अगर ये कच्ची जरा भी नहीं खाती है फिर भी ये इसको ये ज्यादा पसंद है। 50 रुपए नहीं, 50 रुपए वाला कोई हिसाब किताब नहीं, 50 रुपए में मैं अपना बेटा। अच्छा 120 रुपए यार, ये मैंने लग रहा है मैं दूध पिलाई लूं। 125 अच्छा चलो एक सेकंड, ग्रीन कलर की चीज है ना ये, पूरी खानी है। आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये भी माइंड में रखना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट है बीमार। ₹100 के चक्कर में बीमारी होगी, गला खराब हो जाएगा, उसकी इंफेक्शन से तो इतना भी नहीं क्या होता है। ये खाया अभी मैंने, ये मुझे बहुत मजे का लगा यार। ये खा गए तो ये उससे अच्छा है, ये वाला इससे अच्छा है, लेकिन फील नहीं होगा। आपका कार्ड रह गया था गाइस। गाइस इंशाल्लाह मुलाकात होगी बाद लोगों से एंगेजमेंट वाले दिन, ख्याल रखना अपना। मेरे सबसे बात जो तुम्हारी एंगेजमेंट है उसके लिए गुड लक, उसके लिए गुड लक। उसकी हुडी और प्रोमिनेंट कर दी है। सो गाइस वो सब लोग तो जा चुके थे, लेकिन किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी और टीटीटी करके गाड़ी बोल रही है। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इकरा ने नहीं पहनी, इकरा ने पहनी हुई है, अस्तगफुल्लाह सारा इल्जाम मेरे पे लगा दिया गया। अच्छा जी, अब हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।